दोस्तों, भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर, महादेव कैलाशपति आदि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत है तथा रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत सी कहानियों और ग्रंथों में पढ़ा भी है, परंतु शिव जी से जुड़े ऐसे अनेकों अद्भुत रहस्य तथा तथ्य हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। जैसे कि भगवान शिव का स्वरूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, वे क्यों अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनके उत्तर सब जानना चाहते हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये सब अवश्य पसंद आएगा। दोस्तों, भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ाते हैं। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता, न ही शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण को भस्म कर दिया था। उस शंखचूर्ण की हड्डियों से ही शंख बना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी शिव जी की जटाओं से बहती है, परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। माँ गंगा का वेग इतना अधिक था जिससे भारी विनाश हो सकता था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि वे पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। इसी कारण से माँ गंगा शिव की जटाओं में रहती हैं। शिव जी का गंगा को धारण करना ये दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिसे भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव के मन को शांत रखते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है, और अक्सर आपके दिमाग में सवाल उठते हैं कि क्यों शिव जी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है। बता दें कि शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। ये शेषनाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे, इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला है। इसके अलावा इसका एक अर्थ भी है। सर्प एक ऐसा जीव है जो पूर्णतया संहारक प्रवृत्ति का है। यदि सर्प किसी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य का अंत निश्चित है। ऐसे भयानक जीव को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। इसका अर्थ है कि महादेव ने अज्ञान अथवा अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। उस सर्प जैसे हिंसक जीव भी उनके अधीन है। दोस्तों, भगवान शिव के दो मुख्य अस्त्र हैं, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिशूल के तीन शूल तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसी कारण इन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल में धारण कर रखा है। दोस्तों, शिव नृत्य के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डमरू का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में संगीत का प्रसार करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था और इस ध्वनि से संगीत के छंद ताल आदि का जन्म हुआ। भगवान शिव के डमरू से ही ओम की आध्यात्मिक ध्वनि पैदा हुई, जो सभी जीवित वस्तुओं में मौजूद है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। दोस्तों, महादेव के तांडव के बारे में तो सबने सुना है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रुद्र रूप का दृश्य सामने आ जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि शिव के तांडव के दो रूप हैं? एक रुद्र तांडव जो कि सिर्फ शिव के प्रलयकारी क्रोध का प्रतीक है, और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। रुद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं और आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए कथक, भरतनाट्यम,
आदि नृत्य करते वक्त भगवान शिव की नटराज मूर्ति रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और रुद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश है। उनके शरीर पर भस्म लगाने के पीछे का एक गहरा अर्थ है जो हर एक मनुष्य को जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाती है तो अंत में केवल राख ही रह जाती है और ये भस्म ही जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में कहें तो ये है जीवन का, ये संसार और ये मोह माया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा और राख बन जाएगा। यही कारण है कि भगवान शिव ने भस्म से ही खुद का अभिषेक किया। माना जाता है कि भस्म के अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव के ललाट पर उनका तीसरा नेत्र सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और इस क्रोध की अग्नि से सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। परंतु इसके अलावा इनका एक अर्थ और भी है। वे यह है कि तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जब यह नेत्र खुलता है तो संसार में अज्ञानता को समाप्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिवजी का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेश देता है। महादेव का यह नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखे। शिवजी का यह नेत्र पाँचों इंद्रियों से परे तीनों गुणों सतरज और तम, तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य और तीनों लोकों स्वर्ग पाताल एवं पृथ्वी का प्रतीक है। इसलिए शिवजी को त्र्यंबक भी कहा जाता है। वास्तव में तीसरा नेत्र खोलने का अर्थ है जीवन को अधिक गहराई से समझना और जीवन को एक नई नज़र से देखना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को तीसरी आँख खोलने की अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है जिससे जीवन को सफल तथा सार्थक बनाया जा सके। तो दोस्तों, आप सब एक साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उनका एक कोई काम 24 घंटे के अंदर पूरा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं।